सबसे पहले तो आज 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस है, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, देखिए आज जो पृथ्वी दिवस है, इस अवसर पर हम सबको एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हमारे लिए हर दिन पृथ्वी दिवस हो। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मनुष्य जब जन्म लेता है और अपने शरीर का पालन पोषण करता है, तब मनुष्य के शरीर में वह कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो धरातल के अंदर तत्व न हो। यानी कि धरातल का हर तत्व मनुष्य के अंदर है। आप चाहे कैल्शियम देख लीजिए, विटामिन्स देख लीजिए, सोडियम देख लीजिए, ऑक्सीजन देख लीजिए, कोई भी प्रकार का जो तत्व होगा वो मनुष्य के अंदर होगा तो वह पृथ्वी में भी होगा। आप देख सकते हैं कि जब भी कोई महिला डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसको कहता है कि आपके आयरन की कमी है। किसकी कमी है? आयरन की। तो आयरन का अर्थ क्या होता है? लोहा। लोहा होता है ना। तो आजकल आप देखोगे कि जब भी कोई महिला अगर डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए, अगर वो गर्भावस्था में है तो डॉक्टर उसको आयरन की गोलियां देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब डॉक्टर अभी ही आयरन की गोलियां क्यों देता है? क्योंकि पहले जो हमारे बर्तन होते थे ना, वो बर्तन लोहे के होते थे, और जो लोहे के बर्तन में खाना बनता था ना, वो लोहा हमारे शरीर में जाता था, और वही जो शरीर के अंदर लोह तत्व की पूर्ति करता था। तो मीन्स इस धरती पे वो कोई भी ऐसा तत्व नहीं है जो हमारे शरीर में विद्यमान नहीं हो। अब ये हमारे शरीर में आए कैसे? तो आते ऐसे हैं कि हम जो भी खाते हैं और पीते हैं ना, वो इस धरती से लेकर ही खाते हैं। जो भी प्रोडक्ट होता है, फसल होती है, उत्पाद होता है, वो धरती से निकलता है और धरती में वो सारे जो तत्व होते हैं उस प्रोडक्ट में होते हैं, और वही चीज़ हम ग्रहण करते हैं। तो यानी कि धरती से सीधा कनेक्शन हमारा है। तो पृथ्वी जितनी साफ सुथरी और शुद्ध रहेगी ना, उतना ही जो शुद्ध पोषण है ना, वो एक शरीर को मिलेगा, हमारे शरीर को मिलेगा। आज से इस चीज़ के लिए गांठ बांध दीजिए कि और कुछ हो या ना हो, इस पृथ्वी को स्वच्छ रखने के लिए जो भी पॉलीथिन है, कम से कम मैं उसका कम उपयोग करूं। और अगर मैं ऐसा कोई रेडीमेड पदार्थ लेके आता हूं जो किसी पॉलीथिन के अंदर पैक है, क्योंकि आजकल बिस्किट से लेकर स्नैक्स के लिए से लेकर सारी चीज़ें जो पॉलीथिन के अंदर होती है, तो वह जो चीज़ है आप खाने के बाद में अपने पास रखिए, और पर्टिकुलर जहाँ जो कचरा पात्र बना हुआ है, डस्टबिन बना हुआ है या आपको लगता है, तो वहाँ उसी जगह पर उसको डालिए। क्योंकि होता क्या है कि आपने कोई पदार्थ खा लिया और खाने के बाद में आप उसको फेंक देते हो धरती पर, तो देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? अगर वो मिट्टी वाली धरती है तो वो उसी ही भाग को, जितना वो प्रोडक्ट बना हुआ है प्लास्टिक का, उतने भाग को वो मिट्टी के ऊपर रह जाएगा। अब आप सोचिए कि बारिश होगी, क्या उतने ही भाग में वो पानी जा पाएगा? नहीं जा पाता है। क्या उतना ही जो भाग है उसको सूर्य की किरणें मिल पाती है? नहीं मिल पाती है। अब जब सूर्य की किरणें पानी उस भाग को नहीं मिलेगा, तो अंदर से कोई पौधा निकल सकता है क्या? नहीं निकल सकता है। जो प्लास्टिक आपने फेंका है ना, उतना ही भाग वो बिल्कुल बंजर रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आप इस दुनिया में अगर एक चीज़ खाते हो ना, तो उसके बदले में आप किसी चीज़ को बंजर मत करो, उसको लेकर ऐसी जगह पर रखो ताकि जो सही पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर उसको डालना है वहीं पर आप डालिए। तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए। अगर आपके पास में बैग है, अगर आपके पास में दो जेब है या एक ही जेब है, तो कम से कम एक तय कर लीजिए कि अगर मुझे ये चीज़ मैंने खाई है तो ये वाली चीज़ें मैं फेंकूंगा नहीं, मैं इसे अपनी इस जेब में रखूंगा, मैं अपने बैग के इस जेब के अंदर वो रखूंगा। मेरे पास में एक बैग है, एक में मैं जो दो साइड में कॉलम होते हैं, एक में मैं पानी की बोतल रखता हूं, और दूसरा मैंने इसीलिए रखा है कि अगर मैं कोई पदार्थ खाता हूं तो उसका जो प्लास्टिक है मैं यहीं रखूंगा, मैं कहीं फेंकूंगा नहीं, चाहे बस में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं भी हो। तो आप इस तरीके से एक मतलब मन में धारणा कीजिए कि मैं कम से कम ये तो करूं, तो हमारी पृथ्वी को कुछ ना कुछ फायदा इससे जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए। कल जो हमारा टॉपिक चल रहा था, वह टॉपिक चल रहा था राजस्थान के जिलों के भौगोलिक और ऐतिहासिक नाम। कितने हमने कवर कर लिए थे? अंतिम वाला बताइए।